हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्मार्ट टिप्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू रेसिपी। फ्रेंड्स, गर्मियों में वाटरमेलन तो बहुत पसंद किया जाता है। वाटरमेलन मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होता है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। फ्रेंड्स, इस हिस्से को तो हम लोग खा लेते हैं और बाकी हिस्से को हम फेंक देते हैं। तो इस हिस्से से मैं बनाने वाली हूँ एक न्यू रेसिपी, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। तो सबसे पहले इसके छिलके उतारने हैं, तो इसको इस तरीके से लीजिए, इस तरीके से इसके छिलके निकाल लेने हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से निकाल लेने हैं, ये वाले हिस्से को फेंक देना है। इसी तरीके से मैं सारे भागों को निकाल लूंगी। देखिए फ्रेंड, मैंने सबके छिलके उतार के छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ। मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब कढ़ाई में डालूंगी एक चम्मच तेल, इस सब्जी में बहुत ही कम तेल मसालों का इस्तेमाल करना है, उसके बावजूद भी यह सब्जी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनती है। तेल गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे एक चुटकी हींग, करी पत्ता, साथ में डालेंगे एक कटी हुई हरी मिर्ची, इसको एक मिनट तक भून लेंगे। अच्छा से चटकने लगा है, अब इसमें डालेंगे कटे हुए वाटरमेलन। अब इसको लगभग 2-3 मिनट तक भून लेना है। इसको लगभग मैंने 3 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें डालूंगी आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच सब्जी मसाला, और इसको भी लगभग 2 मिनट तक मैं भून लूंगी। मसाले के साथ में मैंने इसे 2 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें डालूंगी एक कटा हुआ टमाटर, और इसी के साथ इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और इन सारी चीजों को मिला करके 2 मिनट तक और भून लेना है। देखिए फ्रेंड, टमाटर अच्छे से भून चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे आधा ग्लास पानी। पानी को भी इसमें अच्छे से मिला करके 5-6 मिनट ढक करके कुक करना है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी सब्जी तैयार हो चुकी है। अब मैं गैस को कर देती हूँ ऑफ। अब ऊपर से मैं डालूंगी थोड़ी सी धनिया पत्ती। मेरी हेल्दी टेस्टी सब्जी बनके हो गई तैयार। अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप भी इसे ट्राई करें। इसी तरीके की अच्छी अच्छी रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें। थैंक यू।